अस्सलाम वालेकुम आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को पहले मैंने कुछ बेसिक दो वीडियोस अपलोड किए हैं वो आप लोग देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एंड हाउ टू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश ये मैंने दो वीडियोस अपलोड कर दी हुई हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखी और इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं आज हम अपने टेंसेस को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट इन टेंस जैसे आप सिंपल टेंस भी कहते हैं not every time but most of the times the simple present tense is used to express a habitual action or to express general truths for an example he drinks water every morning he drinks water every morning i get up every day at 5 o'clock these are habitual actions the sun rises in the east the sun rises in the east this is general truth

अब इसमें एस और ई एस का भी यूज होता है जब आप सिंपल टेंस बना रहे होते हैं एस और ई एस का भी यूज होता है बट एनी विद एनी सिंगुलर पर्सन ही शी इट वहां पे आप एस और ई एस का यूज करेंगे विद वर्ब जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ आप एस और ई एस का इजाफा नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई क्लीन माई टीथ आई आईक्स माई टीथ नहीं आप यूज कर सकते आई क्लीन माई टीथ वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल आई स्पीक आई स्पीक्स आप नहीं बोल सकते ही स्पीक्स द ट्रूथ ही स्पीक्स द क्योंकि सिंगुलर पर्सन है शी शी टेल्स जब भी आप यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज और भी समझा दूं कि जब भी आप ट्रुथ का वर्ड यूज करेंगे द ट्रुथ का वर्ड यूज करेंगे वहां पे स्पीक का वर्ड यूज होता है जब भी आप अलाय की बात करेंगे वहां पे टेल्स का वर्ड यूज होता है आप स्पीक्स नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव sentences बनाने का तरीका क्या है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ verb प्लस ऑब्जेक्ट जब आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे यहां पे डू do और डज का यूज करेंगे और जब आप डू या डज का यूज करेंगे तो यहां से जो सिंगुलर पर्सन के साथ आप एस और ई एस का इजाफा करते हैं वो नहीं किया जाएगा फॉर एन एग्जाम्पल आई डू नॉट क्लीन माई टीथ आई डू नॉट क्लीन माई टीथ सिंगुलर पर्सन के साथ डज लगेगा और एनी प्लूरल नाउन वहां पे आप आई दे यू डू का यूज करेंगे आई डू नॉट क्लीन माई टीथ वी डू नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल आई डू नॉट स्पीक नॉट स्पीक दूथ ही ट्रूथ शी ड नॉट टेल अ लाइक अब यहां से हमने स्पीक और टेल्स की जगह पे स्पीक और टेल का यूज किया बिकॉज हमने डज नॉट का यहां पर एडिशन किया प्रेजेंट इन डेफिनेटेंस इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपने डू और डज को सब्जेक्ट से पहले यूज करना है देन सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट डू आई क्लीन माई टीथ डू आई क्लीन माई टीथ डू वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल डू आई स्पीक डज ही स्पीक द ट्रूथ जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जब आप डू और डज का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में तो एस और ई एस का इजाफा नहीं किया जाएगा डज ही स्पीक द ट्रूथ डज ही टेल अलाई अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए आपको एक चीज का ख्याल रखना है अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आप लास्ट पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क का यूज अगर आप नहीं करेंगे वो आपका सवालिया फिक्रा नहीं होगा वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा और वो गलत हो जाएगा अब नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव ये बुक्स में आपको कम मिलते हैं कम बुक्स में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं लेकिन मैं आपको साथ साथ ये सिखाना चाहता हूं इसमें स्ट्रक्चर बनाते हुए आप डू और डज जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अलामत है जिसे आप सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल डू आई नॉट क्लीन माई टीथ डू आई नॉट क्लीन माई टीथ क्वेश्चन मार्क लाजमी होना चाहिए Do we not डू वी नॉट ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल डू आई नॉट स्पीक डज ही नॉट स्पीक द ट्रूथ डज ही आपने इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इसका इल्म होगा और सिंपल टेंस इंत से ज्यादा सादा और आसान टेंस है प्रेजेंट इन टेंस नेक्स्ट वीडियो ताला हम नेक्स्ट सेंटेंस पे बनाएंगे जो भी इसके बाद टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस पे बनाएंगे अल्लाह ताला आप सब का हामुनासर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर क्लासेस लेना चाहते हो कभी भी हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बी ए और ए डी ए इंग्लिश की क्लासेज के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मुझे वाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अल्लाह ताला आप सबका हाम्यनासर अल्लाह हाफिज़